कानून तोड़ने वालों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की शुरुआत किसी सरकार ने सबसे पहले की तो वो है यूपी की योगी सरकार, जिसने माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर सपाई विधायक आजम खान तक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज करवा दिया। और अब योगी सरकार के काम करने का यही स्टाइल बीजेपी शासित तमाम राज्यों की सरकारें भी अपनाने लगी हैं। तभी तो असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी अंकिता मजर केस के आरोपियों के अवैध आलीशान रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर उसे तहस नहस कर दिया। दरअसल पौड़ी जिले के यमकेश्वर इलाके में वंतारा नाम से एक रिजॉर्ट है, जहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी नाम की एक युवती की इसलिए हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था क्योंकि उसने वेश्यावृत्ति करने से इनकार कर दिया था और इस इनकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मर्डर केस के बाद से ही उत्तराखंड में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का नाम सामने आ रहा है, जिसे पुलिस ने पहले ही दबोच लिया। लेकिन इसके बावजूद इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में योगी मॉडल अपनाते हुए सख्त एक्शन लिया और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के वंतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद देर रात ही बुलडोजर ने आरोपी पुलकित के आलिशान रिजॉर्ट को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। प्रशासन ने सबसे पहले कर्मचारियों को हिरासत में लेकर रिजॉर्ट को सील कर दिया था और फिर शुक्रवार देर रात मौके पर पहुंची जेसीबी ने पहले रिजॉर्ट के गेट को तोड़ा, उसके बाद रिजॉर्ट के फ्रंट में लगे शीशे और दीवार तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि सरकार और पार्टी के स्तर पर इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए रातों रात रिजॉर्ट को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर दी गई, जिससे लोगों में ये संदेश भी जाए कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का भले ही बीजेपी से नाता रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार अंकिता भंडारी मर्डर केस में कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि इधर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की और उधर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया, जिससे अंकिता भंडारी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूंकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहे। आपको बता दें, अंकिता भंडारी 19 सितंबर से लापता थी और 22 सितंबर को उसका शव मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसकी हत्या हुई है। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पुलकित और उसके अन्य दो साथियों ने अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था। बहरहाल, इस मामले में जिस तरह से पुष्कर धामी सरकार एक्शन ले रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।